ध्यान से देखना। पहला सवाल कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सत्य है कौन असत्य है, अपने उत्तर की जांच के लिए कारण भी दीजिए। मतलब कारण बताओ, नोटिस पहले से मिला है, पहले तो आप ये बताओ कि ये कहानी सही है कि गलत है। और अगर आपने कह दिया खुदा ना खास्ता कि सही है, तो बताओ बच्चा क्यों सही है। अगर आपने कह दिया गलत है, तो फिर क्यों गलत है। मतलब ऐसे कहे कि आप छुट्टी नहीं पाने वाले हैं, तो मैं उसको पूरी तरह से यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा, एंड तक देखना वीडियो, स्किप मत करना। कह रहा कि एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कमाल की बात करता है, कह रहा कि एक बिंदु से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट कि बच्चा एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप किसी भी तरफ को रेखा खींच सकते हो, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। क्या होगा ये असत्य है, फाल्स है ये लाइन। आप लिख देना असत्य, ब्रेकेट में लिखना एक बिंदु से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए ये गलत है। दूसरा ध्यान से देखो, बहुत ही प्यार से देखना। कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। मतलब इसकी खोपड़ी ही उल्टी है, हर जगह उल्टा बोल रहा है। दो भिन्न बिंदु मतलब दो अलग अलग बिंदु। आपको मैंने बताया था जब तक आप अकेले हो तब तक आज़ाद हो, जहाँ आप एक से दो हुए ना तहाँ आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्यों देर में आए, है ना, आप समझ गए ना। तो जब दो हो जाएंगे तो क्या होगा, लिमिटेड हो जाएंगे, फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मुर्गी की दौड़ घूर तक बस। तो इतना जान लो कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, बस रेखा, समझ गए ना। बाकी आप टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कर दोगे कहीं को, अलग बात है। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, गया दो। तीसरा देखो क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो ऑनलाइन देखना, अगर पढ़ना है तो डाउनलोड नहीं करेगा कोई भी बच्चा वीडियो। अगर आप वीडियो को YouTube पे किसी भी माध्यम से कहीं भी डाउनलोड करते हो तो फिर आपको हमारी क्लास नहीं मिलेंगी, याद रखना। सिर्फ कुछ ही वीडियो मिलेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप ईमानदारी से चाहते हो कि हम पूरा मैथ फ्री में YouTube पे पढ़ पाएं, तो वीडियो डाउनलोड ना करो, ऑनलाइन देखो। इंटरनेट नहीं है तो मत देखो, अगर कोई समस्या है तो नंबर पर संपर्क करो, हल किया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन देखो, ठीक ना। अगले केस में जो पॉइंट है ध्यान से देखो क्या कहते हैं। कह रहा कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। पहले तो इनका नाम लेना सीख लो बच्चा लोग। शांत रेखा जिसे आप देख रहे हो ना, जिसे आप अपनी भाषा में रेखाखंड बोलते हो, उसको जो यूक्लिड बाबा उसको रेखाखंड बोलते थे। क्या बोलते थे? रेखाखंड बोलते थे, उसको शांत रेखा कहा जाता है। यानी हम जिसे रेखाखंड बोलते हैं उसी को यूक्लिड बाबा शांत रेखा कहते थे, ठीक। तो ये शांत रेखा है, मतलब रेखाखंड को ही शांत रेखा कहा जाता है, ये समझ लो। तो अगर कोई रेखाखंड है तो आप पढ़े हो कि रेखाखंड दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये कथन जो है सत्य है। इसे लिख दो सत्य है, ब्रेकेट में लिख देना, क्योंकि रेखाखंड को अनंत तक दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। अगला कह रहा है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये तो ऐसे हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी तक इनकी पहचान होती थी वृत्त महाराज की, कि बराबर अगर वृत्त की बात हो, कि अगर दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं तो वृत्त बराबर होगा। लेकिन ये तो उल्टा बोल रहा है, कह रहा है अगर त्रिवृत्त बराबर है तो त्रिज्या बराबर होगी क्या? सीधी सी बात है, देखो क्या होता है। अगर दो वृत्त मैंने खींचा ऐसे, हाँ बहुत ध्यान से देखो, इसमें त्रिज्या क्या होती है? ये होता, जो बीच में स्थित बिंदु होता है उसे केंद्र बोलते हैं, और केंद्र से जो परिधि को मिलाती है ये रेखा त्रिज्या कहलाती है। अब ये किसी भी तरफ को मिला सकती है। वृत्त बराबर होंगे तो आप ये अनुमान लगा लो बच्चा लोग कि जो ये रेखा ऐसे मिलाओगे वो कहाँ जाएगी। ये मैंने यहाँ से मिला दिया था, ये मैंने ये बनाया था, ठीक है। ये बराबर होगा कि नहीं सोचो, अगर दोनों गोला बराबर है और गोला के बीचों बीच केंद्र से कोई रेखा खींचते हो, दोनों बराबर होगी ना, होगी, देख लो करके, ठीक है। तो लिख दो सत्य। कारण क्या है? क्योंकि बराबर त्रिज्या वाली वृत्त हमेशा बराबर होती हैं। कारण लिख देना, क्योंकि बराबर त्रिज्या वाली वृत्त हमेशा बराबर होती हैं। जल्दी करो, फटाफट नोट करो बच्चा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पांचवा देखो क्या कहता है। अगला नंबर देखो, कह रहा है कि आकृति 5.9 में पांचवा पार्ट है, इसमें का पहला का पांचवा और लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट 5.9 में। यदि ए बी इक्वल पी क्यू और पी क्यू इक्वल एक्स वाई, तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। देखो कैसे, आकृति 5.9 यही है जो मैं बनाया हूँ। इसमें कह रहा कि ए बी के बराबर है कौन? ये पी क्यू बराबर है। तो मान लो बच्चा ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना है? 5 सेंटीमीटर है, यही बोल रहा है ये। और ये फिर क्या कह रहा है, आगे देखो।
आगे कह रहा है ए बी पी क्यू के बराबर है, हमने कर दिया ए बी पी क्यू के बराबर हो गई, दोनों पाँच पाँच हो गई। फिर आगे कह रहा कि पी क्यू जो है एक्स वाई के बराबर है, तो बच्चा ये जो पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर है, यानी ये भी कितना है फिर पाँच ही है। तो फिर लास्ट में बेवकूफ़ बना रहा, कह रहा फिर क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, हाँ सिंपल सी बात है होगा, देखो यहाँ से कहानी देख लो सब पाँच पाँच है ना। तो समझ गए इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही ईमानदारी के साथ देखना बच्चा लोग, भागना मत, क्लास को पूरा देखो और खूब शेयर करो अपने साथियों में, जिससे कि आपको इस तरह से कंप्लीट सोल्यूशन मिल सके। एक भी क्वेश्चन एक भी पार्ट हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप खूब शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने चाहिए, तभी इस तरह से क्लास मिलेगी, नहीं तो फिर हम बीच बीच का क्वेश्चन बताएंगे फिर छोड़ देंगे, फिर आप परेशान रहोगे। इसलिए खूब शेयर करो, खूब शेयर करो, लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई समस्या है तो नंबर पर संपर्क करो, नंबर ऊपर दिख रहा है। इसके बाद अगली क्लास में आप देखोगे सवाल नंबर दूसरा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, दो मिनट देखते हो भाग जाते हो पता नहीं कहाँ, तो इसके लिए हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं देंगे अब आपको, ठीक है। और जो सबका नाम बोलते हैं तो आप देखते हो 45 मिनट में पढ़ाई थोड़ी सी होती है, बातचीत ज़्यादा होती है, इसलिए आप लोग कोशिश करो पढ़ने की, नाम के चक्कर में रहोगे तो हम नाम ही बुलाते रहेंगे, लाइव आते हैं देखते हो यही होता है ना। अब देखो आप 15 मिनट में 10 मिनट में कितना कुछ पढ़ लिए, ढेर सारा पढ़ लिए ना, एक क्वेश्चन भी कर लिए, तीन चार परिभाषा भी सीख लिए, कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, डल्लू बर्तन भी देख लिए, है ना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जय हिंद।